पिता क्यों नहीं होना? अस्सलाम वालेकुम। ये उर्दू घर अक़लियती डिपार्टमेंट की तरफ से शेख आसिफ जब मालेगांव शहर के MLA थे, उन्होंने इस इमारत की यहाँ पे मंजूरी ली और मंजूरी लेने के बाद 8 करोड़ रुपए की लागत से ये उर्दू घर बना। और ये उर्दू घर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना हुआ है, ये उर्दू घर मालेगांव की तलबा और तुलबा के लिए बना हुआ है। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, जो बच्चों के लिए स्टडी सेंटर नहीं है, जो बच्चों के लिए कल्चरल हॉल नहीं है, उनके मद्देनज़र आसिफ शेख रशीद ने अपने शहर में उनको तालीमी दोस्त का नाम मिला और तालीमी दोस्त होने के नाते वो तालीम के बनिस्बत मालेगांव शहर के तलबा और तुलबा को क्या दे सकते हैं, उस बेस पे उन्होंने हुकूमत महाराष्ट्र से ये 8 करोड़ रुपए की इमारत मंजूर करी। लेकिन मंजूर करने के बाद अक्सर ये होता है कि मंजूर तो इमारत हो जाती लेकिन वो बन नहीं पाती। आसिफ शेख रशीद ने बहुत जद्दोजहद करने के बाद ये इमारत को बनाया अपने दौर इक्तदार में। 2019 से पहले, इलेक्शन के पहले इसको बनाकर रेडी किया गया, लेकिन इत्तेफाक जैसे ही ये बन के तैयार हुआ उसी टाइम इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में आसिफ भाई को हार का मुंह देखना पड़ा। हार का मुंह देखने के बाद आज मैं समझता हूँ 2.5-3 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन इस इमारत के ताल्लुक से मौजूदा MLA जो अपने आप को मुक्ति इमाम, ईदगाह के तायाद इमाम और आलिम उलमा क्या क्या लगाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी इस उर्दू घर का ख्याल नहीं आया, यहाँ की मालेगांव की तलबा और तुलबा का बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि ये आसिफ शेख रशीद की बच्ची या बच्चे या उनके घर के उनके ख़ानदान के लोग यहाँ पर आएंगे। ऐसा नहीं, मालेगांव शहर की आवाम आएंगे, वहाँ की तलबा और तुलबा आएंगे, उनके हित के बारे में आज के MLA साहब बिल्कुल सोचे नहीं। और ये उर्दू घर 8 करोड़ की लागत से बना, तैयार हुआ, चालू ना होते हुए अब खंडर में तब्दील हो रहा है। ये हमारे मालेगांव की आवाम, मालेगांव की तलबा और तुलबा का बहुत बड़ा नुकसान है। इसके लिए आवाम को आज सोचने की ज़रूरत है कि भाई एक घर बना बनाया मिला, हर चीज़ वहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पर 1 रुपये का आज खर्चा नहीं है। किसी MLA का 1 रुपये का बजट यहाँ पे आएगा तो कुछ काम आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ हो गया लेकिन उसके बावजूद भी ये इमारत का इब्तदा आज तक नहीं हो सका, जबकि हमारे नवाब मलिक साहब यहाँ के अल्पसंख्यक मंत्री है, उनको ला के यहाँ फौरन उद्घाटन करना चाहिए। और यहाँ पे जो भी अब आदमी लगेंगे, यहाँ जो देख रेख के लिए लगेंगे, बस उनको गवर्नमेंट से उनको उसकी मंजूरी लाना है। वो भी मैं समझता हूँ आसिफ साहब के टाइम पे सब मंजूर हो गया था, लेकिन आज तक सिर्फ इसको चालू करने का, यानी सिर्फ खाना पका हुआ रखा है, लोगों को बांटना है, तो तलबा और तुलबा को सिर्फ बांटना है, वो बांटने का काम हमारे MLA साहब से नहीं हो रहा है। इसका मुझे बहुत अफसोस है और मैं मालेगांव की आवाम को ये आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव की आवाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ पका पकाया है और उसका इस्तेमाल अगर नहीं हो रहा है तो ये किसकी गलती है, आवाम को ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन देखो ना, अभी तो सरकार में ना आसिफ भाई की तो अच्छी पकड़ है। यानी आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि जो भी करे वो आसिफ भाई करे, यानी फिर हमने जिसको चुन के दिया, हमारी वोटों से जो चुन के आया, फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसका मतलब ये, यानी अगर चैनल वाले ये बात करे तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि जो बनाए वही चालू करे, ये बात बराबर नहीं। लेकिन हमेशा से कांग्रेस के स्टेज से, NCP के स्टेज से बोला गया कि उनको काम ही करना नहीं आता तो कैसे क्या उम्मीद रखेंगे चालू करने की? तो वो ये बात डिक्लेयर कर दे, वो जिस दिन ये बात डिक्लेयर करेंगे कि मुझको काम करना नहीं आता है या मुझे काम करना नहीं आता, इंशाल्लाह हम आसिफ भाई को बोल के या गवर्नमेंट तक के हमारी आवाज़ पहुंचा के मालेगांव की आवाम जो किसी को आमदार बना सकती, तो मालेगांव की आवाम में वो ताकत है कि वो खुद के बल पे भी ये चालू करा सकती है। मालेगांव की आवाम की वो ताकत है जो ये उर्दू घर चालू करवा सकती है, हम हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते। आसिफ भाई के माध्यम से बोलो या पब्लिक खुद अपने माध्यम से बोलो, मीडिया वालों के माध्यम से बोलो, हम हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते और ये उर्दू घर चालू करवा सकते। लेकिन जिस दिन हमारा चुना हुआ
हमारा चुना हुआ आमदार ये बोल दे कि मुझे ये काम का ढंग नहीं है, मुझे ये काम आता नहीं है, इसलिए आप करो, तो मालेगांव की पब्लिक खुद सक्षम है ये उर्दू घर चालू कराने। क्योंकि इतनी बड़ी इमारत है, जब हमने दौरा किया तो बड़ी खूबसूरत इमारत है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने इसका मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं, बाकी कुछ ये बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। दरअसल ये जो इमारत है, बिल्कुल सच बात है कि बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत इमारत बनी हुई है, लेकिन मुझे शक है मौजूदा आमदार की नीयत साफ़ नहीं है ये ताल्लुक से, वरना ये इमारत तो जब वो चुन कर आए थे उसके एक दो महीने तीन महीने के बाद ही इसका इफ्तिताह हो जाना चाहिए था, मगर नीयत साफ नहीं है। क्यों कि आसिफ शेख रशीद साहब को पूरा क्रेडिट ना मिले, ये उसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी वजह है, और मैं समझता इसीलिए आज तक के काम रुका हुआ है। लेकिन जैसे असलम भाई ने बताया, इंशाल्लाह जिस दिन वो बोलेंगे और उसके बाद आप लोग देखिएगा कि इंशाल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब जो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ज़िला अध्यक्ष हैं, इंशाल्लाह पार्टी के जो हमारे महा विकास आघाड़ी है यहाँ पर महाराष्ट्र में, और अल्पसंख्यक विभाग जो है राष्ट्रवादी के पास है, इंशाल्लाह हम ज़रूर बड़े पैमाने के ऊपर ज़ोर शोर से मालेगांव शहर की आवाम के लिए ये उर्दू घर का तोहफा हम देंगे, ऐसे में हम आपके सामने वादा करता हूँ।